विधायक अमित विज की ओर से वार्ड नंबर 1 का दौरा किया गया, जिसमें वह वार्ड में बन रही गलियों और सड़कों का निरीक्षण करने हेतु इस वार्ड में पहुंचे, जिन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए उनके द्वारा गलियों और सड़कों का काम करवाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को राहत तो होगी लेकिन इस कार्यों का उद्देश्य प्रत्येक वार्डवासी के लिए मौलिक सुविधाओं को पूर्ण करना है। इस मौके पर मेयर पन्नालाल भाटिया भी मौजूद थे। अज असी वार्ड नंबर 1 च खड़े हैं। मेरे नाल मेयर साहब ने, पन्नालाल भाटिया जी, ग्वालियर साहब ने, काउंसलर साहब बब्बे भाई ने, ते पूरी टीम है इत्थे वार्ड दी। नाल मेरे नाल सीवरेज बोर्ड दे SDO साहब ने ते कॉन्ट्रैक्टर भी ने। बड़ी रिक्वायरमेंट सी इस साडे वार्ड दे लोकां दी। टोटल सिर्फ जे वार्ड नंबर 1 की गल करिए ते 12 किलोमीटर सीवरेज का काम सी। उस 12 किलोमीटर विच असी ऑलरेडी 10.5 किलोमीटर के करीब सीवरेज का जी गड्डी नाल मशीन नाल GCB नाल काम हों कर चुके हैं। सिर्फ 1.5 किलोमीटर का काम रह गया और जोड़ा सीवरेज बोर्ड का काम से वह 7500 फीट का वाटर पाइपलाइन का काम से। मगर मैं थैंक्स करना मेयर साहब न 6500 फीट का पाइप का वाटर पाइप 2 इंच से 3 इंच की वह भी पवा के दे रहे हैं। तो रफली 13000 फीट का वाटर का काम है। साड़ी रोड्स मानसून तो पहले सीवरेज पिया सी, खुद ही दिया सी, कई पिछे थोड़े दिन पहले आए सी। ते हुण साडा टारगेट है कि विदिन 1 मंथ या 1.5 महीने जिहड़ी मेन रोड्स है वो प्रॉपर बनवा के असी उहदा BC पवा के, जिस तरह सर्कुलर रोड या सारी पंगोली चौंक वाली रोड खानपुर तो बनी है उस तरीके दे, उस लैवल दी असी बना दीए। ते नाल ही जिहड़ी गलियां विच कॉन्क्रीट जिथे पैना उत्थे ऑलरेडी असी 2 कॉन्क्रीट दी टीमां लगा चुके हैं ते वह गलियां बना रही हैं। 2 सीवरेज की टीमां लगी दी हैं ताकि 1.5 किलोमीटर का बैलेंस काम खत्म हो जाए। तो असी नाल ही कुछ गलियां च टाइल्स भी लगनी है ते कॉन्ट्रैक्टर साहब ने 1 टीम टाइल भी होर लगाई है। असी इन्हां नूं पूरी रोड से सीवरेज पै गया, बस थोड़ा जिहा पोर्शन 100 मीटर का रह गया जिहदे विच सीवरेज पैना। तो अज उन्होंने 1 टीम सीवरेज भी होर मंगवा ली है ते वह टीम साडी इह भी जिहड़ा सीवरेज पा देगी ताकि इह पूरी रोड असी प्रॉपर बना देंगे। मैं लोगों को स्पेसीफिकेशन दसना चाहना बीती जी कि स्पेसीफिकेशन है, इस तरह नहीं कि खाना पूर्ती होगी। ये असी WBM ग्रेड 2, WBM ग्रेड 3, उस तो बाद असी GSB पा रहे हैं, GSB ग्रेड 1 पा रहे हैं, WBM ग्रेड 2 पा रहे हैं, WBM 3 पा रहे हैं, WBM ग्रेड 2 पा रहे हैं। इस तो बाद जो जिथे तो असी सीवरेज का खोदिया क्योंकि वह बेस प्रॉपर हो जाए, इस करके है स्पेसीफिकेशन असी मेनटेन कर रहे हैं। और जो सारी चीज़ हो जाएगी पूरी रोड पर असी फाइनल लेयर फिर BCD पावे, उस स्टेज पुजन से 1 महीना लगेगा। बाकी जिस तरह स्टैंडर्ड है रोड का साढ़े बाकी शहर का बनया, चाहे APK रोड है या सर्कुलर रोड है या साड़ी ढाकी की रोड है, सेम टांगू रोड है, उसी स्टैंडर्ड की असी रोड लोगों को बना के देंगे। फाइनली मैं मेयर साहब को रिक्वेस्ट कराँगा जिस तरह रोड बन जाएगी, फिर जिस तरह APK रोड ब्यूटीफाई की है और पेड़ लगा के या वाइट लाइनिंग लगा के, फिर सोलर लाइट्स असी जिहड़ियां ब्लिंकरस लगाए ने वह भी इस रोड से असी लगावेंगे ताकि एक्सीडेंट ना हो सकन ते जिहड़ी रोड से राती सोनिया लगे। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भोंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।